नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। घर के आसपास बिल्ली का रोना काफी अशुभ माना जाता है, ऐसे में बिल्ली के रोने पर क्या करें ताकि किसी भी अपशगुन से बचाया जा सके, ये आज हम जानेंगे कार्यक्रम में आचार्य जी से। साथ ही इसके अलावा रोज की तरह जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं बिल्ली का रोना माना जाता है अशुभ? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से बिल्ली के रोने पर क्या करें। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आषाढ़, और आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है आयुष्मान और करण है बव। और अब शुरू कर लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले उस कार्य के विषय में, उस प्रोजेक्ट से संबंधित सारी महत्वपूर्ण और संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ वाद विवाद, कुछ तनाव, कुछ गलतफहमी की स्थिति आ सकती है। अपनी सूझबूझ से इस स्थिति को टालने का प्रयास करना है। आज आप अपने आसपास की चीज़ों को अपने हिसाब से जैसा आप चाहते थे वैसा बदल सकते हैं। आपको आज अपनी कामयाबी का एक बहुत अच्छा, बहुत सशक्त माध्यम, एक अच्छा रास्ता प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज इस बात की काफी उम्मीद है कि आप अपने दिल से जो भी निर्णय करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, वह आपके पक्ष में हर प्रकार से सही सिद्ध होंगे, सही साबित होने जा रहे हैं। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल में जरूर नजर आएगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आपके सामने आने वाली आज नहीं है। आज का दिन काम करने का दिन है और लाभ में वृद्धि पाने का दिन है, तो आप आज जितनी मेहनत करेंगे, जितने मन से काम करेंगे, उतना अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। अपने दिमाग में आपने जो उलझन एक काफी समय से पाल रखी है उसे दूर कर सकते हैं, तो सिर्फ आप कर सकते हैं, तो उसका आपको एक सही कोई निराकरण खोजना चाहिए, उस पर आप चिंतन करें। अगर आपको स्वयं कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप जिन भी लोगों पर आपका विश्वास है आप उनसे उस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, निश्चित कोई हल निकल जाएगा। ओम शाश्वताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना चाहिए, किसी भी वाद विवाद से आप दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। आज काम को साफ और सुथरे तरीके से, सीधे तरीके से करना चाहिए। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं आपको, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क आज लेने से बचना चाहिए। आज आप जो भी काम करें उसे प्लान्ड वे में करते हैं, नियोजित रूप में करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी की बात को आज आपको दिल से नहीं लगाना चाहिए। आज की तिथि में आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की स्थिति में आ सकते हैं। आज मन और विचार, मूड जो है आपको पैसे खर्च करने के लिए ज्यादा प्रेरित कर सकता है। आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होने से बचना है। और बारी है कर्क राशि की, देख लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति होने वाली है। आज किस्मत आपके साथ है। आज आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है। आपके किसी मित्र की सलाह आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। आज आपको अपनी किस्मत खोलने के लिए, भाग्य चमकाने के लिए कोई सफलता का बहुत मजबूत रास्ता, एक बहुत मजबूत माध्यम प्राप्त हो सकता है। तो आवश्यकता है निरंतर अपने कार्य में लगे रहने की, उससे जुड़े हुए आप रास्ते खोजते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कोई बहुत अच्छा रास्ता आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए, आज पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। आपके कंसंट्रेशन में बार बार कमी आएगी, एकाग्रता की कमी होगी। तो पूरे मनोयोग से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। जो भी शिक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं तब जा करके आप उसमें सफल हो सकते हैं। अपने पारिवारिक मसलों को समाप्त करने के लिए आज आपको कुछ बड़े फैसले, कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो आप जो भी निर्णय करें बहुत सूझबूझ के साथ, बुद्धि विवेक का प्रयोग करके करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें और आपकी आज की दिनचर्या में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आज हल हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोलने से बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज चीजें जो हैं वो आपके हिसाब से चलेंगी। जैसा आप चाहते थे परिस्थितियां वैसी आपके पक्ष में, आपके हिसाब से आज हो जाएंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं। राय देने से पहले अच्छे तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। आज आपका उत्साह काफी अधिक हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपका उत्साह तो बहुत अच्छा है, आपके पास आज ऊर्जा बहुत अच्छी रहने वाली है। अपनी ऊर्जा का सही जगह प्रयोग करना चाहिए, अपने शुभ ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह करें और आत्मविश्वास में आकर के कोई काम गलत ना कर जाएं, क्योंकि आत्मविश्वास कब अति आत्मविश्वास हो जाता है, कब वो अपनी सीमा लांघ जाता है, ये आम मनुष्य, हम और आप समझ नहीं पाते। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की जरूरत है, अति आत्मविश्वास से बचिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभूदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अभी कॉलर हमारे साथ रामपुर से जुड़ गई है, शोभना जुड़ गई है। शोभना अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है और उनका नाम है अमित अग्रवाल जी। हाँ जी, 20 फरवरी सन 1981 जी, दिन शनिवार, शाम 7:15 का समय है जी। जी आप बताइए। जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान रामपुर जी। बिल्कुल, 20 फरवरी 1981 दिन शुक्रवार आता है और इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है। और जहां तक आपने विवाह के बाधा की बात कही है, इनकी कुंडली के अनुसार जो परिस्थितियां दिखती हैं वह ये बताती हैं कि 28 जुलाई 2015 तक इनके विवाह में बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर विघ्न रहेगा, बाधाएं रहेंगी, क्योंकि अब तत्काल कुछ समय बाद 15 से 20 दिन बाद केतु की अंतरदशा राहु के साथ शुरू होने जा रही है। राहु पहले ही विघ्न कारक था, केतु का संयोग उसके साथ और ज़्यादा इनके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा और ऐसी परिस्थिति में सर्वोत्तम ये होगा कि आप अपने भाई साहब को सुझाव दीजिए कि वो हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहें। एक तो राहु और केतु का संयोग है, दूसरा इनकी कुंडली मांगलिक भी है, तो जब हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे तो राहु, केतु, मंगल, इन तीनों के दोष निवारण होंगे, तब कहीं जाकर के विवाह से संबंधित इनका कार्य जो है वो सफल हो पाएगा। और अभी कॉलर झुंझुनू से जुड़ गई हैं, सुनैना जुड़ गई हैं। सुनैना अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी सर, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1971 जी। जन्म स्थान है महेंद्रगढ़ हरियाणा और जन्म का समय है सुबह के 10 बजे और दिन रविवार जी। जी सर, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो करीब 5-6 साल से बीमार रहते हैं जी। बिल्कुल, उनकी आंख में भी डिफेक्ट आ चुका है और उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और कल उन्होंने अपनी सर्विस के लिए भी रिजाइन दे दिया। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं?
जी निश्चित तौर पर देखिए इनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। इनकी कुंडली के अनुसार भी राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा है, ये बहुत अच्छा संयोग इनके लिए नहीं है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इस समय में अगर एक बार नौकरी चली जाए तो इनको नौकरी प्राप्त करने में भी समस्या आएगी, इनके स्वास्थ्य में भी समस्या रहेगी। राहु से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं होती हैं, खासतौर पर स्नायु तंत्र से यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित समस्या, जोड़ों में दर्द होना, पेट से संबंधित विकार और कभी कभी ये समस्याएं बड़ी हो जाती हैं जिसमें ऑपरेशन भी होते हैं, तो स्टमक डिसऑर्डर्स और पेट से रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी परेशानी और कमर से नीचे चोट चपेट एक्सीडेंट, खासतौर पर पैरों में चोट लगना जिसके चलते यहाँ तक इतनी भी चोट लग जाती है कि कई बार फ्रैक्चर हो जाता है और सर्जरी करानी पड़ती है, तो ये सारे प्रमुख लक्षण हैं राहु के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप अपने पिताजी को सुझाव दें, अगर वो अभी कहीं जा नहीं सकते, किसी मंदिर में जा करके कोई नियम पालन नहीं कर सकते, तो उनको घर में बैठे बैठे ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और आप जितने भी लोग परिवार में सदस्य हैं, आप सबका ये पारिवारिक दायित्व बनता है, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे खराब समय में आप अपने पिताजी के साथ मजबूती से खड़े हों और उनके अच्छे भविष्य के लिए आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि संभव हो जाए तो आप जाकर के शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अपने पिताजी के नाम से हनुमान जी के लिए अर्पित करें और उनकी पूजा आराधना वहां करें तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और अभी कॉलर बीकानेर से जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश अपना सवाल पूछिए। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/9/65 जी। समय है 3:50 AM जी। स्थान बीकानेर राजस्थान जी। जब से बृहस्पति महादशा लगी उसके बाद से लोगों से संबंध बहुत प्रभावित हुआ, लोग षड्यंत्र बहुत करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और पिछले 3 सालों से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है जी। तो इसमें क्या उपाय करें कि हम लोगों से संबंध भी रहे, लोग षड्यंत्र नहीं करें जी? निश्चित तौर पर देखिये, बृहस्पति के बारे में एक सूत्र है, बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि स्थान हानि करो जीव, यानी बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उसका आपके लिए बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है, जो कर्क राशि में बृहस्पति देवता आने वाले हैं, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको नियमित तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अगर संभव हो जाए तो गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप अपने घर पर सादर आमंत्रित करें, कम से कम 2 मिष्ठान आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं, उन्हें भेंट कर सकते हैं, उनको जलपान कराइए, मीठा खिलाइए, पानी पिलाइए और फिर उनको आप साधुवाद देते हुए विदा करें। इस तरीके से आपको 16 गुरुवार का अपना एक क्रम बना लेना चाहिए। यदि आप अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर सकते तो आसपास किसी भी मंदिर में जा करके ब्राह्मण देवता को आप सविनय जो है वो मिष्ठान दान करके चले आएँ, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। नियमित एक अपना रूटीन बना लें, क्रम बना लें कि रोज की दिनचर्या में आपको विष्णु जी की पूजा करनी ही है, विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे आज का महाउपाय, साथ ही जानेंगे अगली राशियों के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोग आज पुरानी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हो सकते हैं, उन्हीं में खो सकते हैं। आज आपके साथ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि बार बार आपका मन जो है पुरानी बातों की तरफ, पुरानी यादों की तरफ जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, आप अपनी उन्हीं पुरानी चीज़ों में अभी भी खोए हुए हैं। आज अगर आपने अपनी दिनचर्या और अपने खान पान पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बड़ी परेशानी आपके सामने आ सकती है। आपने लोगों से जो कमिटमेंट्स किए थे, जो आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से जो वादे किए थे, आज उन्हें पूरा करने का दिन है और आज आप अपने निर्णय करने में, बड़े डिसीजंस लेने में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे में दुविधा की स्थिति को दूर करना चाहिए और मजबूती के साथ निर्णय करें, सोच समझ करके निर्णय करें तो आपको लाभ मिलेगा। और इसलिए आज की तिथि में आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, जो विद्या और बुद्धि
औषधि के देवता हैं। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी से कोई बहुत बड़े वादे बड़े कमिटमेंट्स ना करें। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपना बर्ताव बहुत ज्यादा शांत रखना होगा, अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सौम्य रखना पड़ेगा। आपको सही मार्ग जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज अवश्य ही दिखाई देगा। अभी तक आप बहुत ज्यादा भ्रमित होंगे, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, आप निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे कि करना क्या चाहिए, तो थोड़ा शांत चित्त से काम करें, भगवान की आराधना करें, निश्चित कोई रास्ता मिलेगा। आज काम बहुत होगा किंतु मनोरंजन के लिए भी आपको कुछ समय अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मुश्किलें किसी भी मनुष्य को और अधिक मजबूत बनाती हैं, ये बात हमेशा याद रख करके काम करें। जितनी भी खराब परिस्थितियां आएंगी, विषम परिस्थितियां आएंगी, उनसे आप पीछे मत हटिए। बुरा वक्त आता है और चला जाता है, तो बस ये समझ करके आप अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहिए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए और अपने लिए मनोरंजन के भी कुछ अवसर जरूर निकालने चाहिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बड़े निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोग, यदि आज आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, खासतौर पर नौकरी पेशा लोग, तो आपको ये जॉब की ऑफर मिल सकती है। ये जॉब ऑफर आपको स्वीकार करनी है या नहीं करनी है, ये आपका अपना निर्णय है। आज ऐसा भी आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ सकता है जो आपसे फायदा उठाना चाहेगा, तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास न करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए और जो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस इंटरव्यू में कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए, उस विघ्न को दूर करने के लिए ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्य क्षेत्र में पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आज मत बढ़ाइए। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसा है उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको निकल पड़ना चाहिए अपनी मेहनत की राह पर। आज का दिन कोई नया काम करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज आपको दिन और समय यूं ही ऐसे नहीं बिताना चाहिए। आज किसी से भावनात्मक स्तर पर आपका जुड़ाव हो सकता है। आज किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। आज सिर्फ अपनी बात ही आपको नहीं कहनी चाहिए बल्कि दूसरों की बातों को सुनना भी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्य क्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी अनदेखी आज आप मत करिए। और अब बारी है कुंभ राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, यदि आपने किसी से वाद विवाद कर लिया, किसी से आपका झगड़ा हो गया, तो उससे आज आपको दोस्ती कर लेने की आवश्यकता है। अपने संबंध यूं ही आप खराब मत करते चलिए। आज पहले पुरानी जो जिम्मेदारियां थी कार्य क्षेत्र में, उन्हें संपादित करना चाहिए, पुराने कामों को निपटाना चाहिए और फिर उसके बाद कोई नया काम हाथ में लेना चाहिए, नई जिम्मेदारी तब उसके बाद आप लीजिए। आज ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल ले, गलत मतलब निकाल रहा है, इसलिए आज सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि आप अपने बात को कहने के तरीके को बहुत साफ सुथरा रखें। अंदाज बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए जिस अंदाज में आप बात कहते हैं, जिससे कोई गलतफहमी आपस में ना डेवलप हो सके। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य से जुड़ी हुई जो गुप्त बातें हैं उन्हें हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज धैर्य से काम लेना चाहिए। आज बहुत जल्दीबाजी में काम मत करिए। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई फैसला या निर्णय लेने से आज आपको बचना है। पिछले दिनों आपने जो मेहनत की है उसका फल आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आप अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूर्णता आपकी है। आपकी काम की जिम्मेदारियों के लिए कोई और दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, इसलिए आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। दूसरे के ऊपर आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके स्वयं लापरवाह मत बनिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय।
जी आज का महा उपाय जान लेना हर किसी के लिए आवश्यक है, क्योंकि लगातार हमारे दर्शकों ने हमसे ये ईमेल के माध्यम से जानना चाहा। उनका बहुत ज्यादा ये कौतूहल भरा प्रश्न था कि जब भी घर के आसपास बिल्ली रोए तो इसे किस तरीके से लेना चाहिए, क्या इसका अपशकुन होता है और किस तरीके से आप इसका निदान कर सकते हैं। यदि आप किसी आवश्यक, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हैं और उसी समय कोई काली बिल्ली रोते हुए दिख जाए या रास्ता काट दे, या आप अपने घर से जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं और कहीं आपके कानों में बिल्ली के रोने की आवाज आती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कई प्रकार के शकुन और अपशकुन बताए गए हैं। सभी का महत्व आपके भविष्य से, आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष में इसे लक्षण शास्त्र कहते हैं। ये लक्षण है, छोटे छोटे लक्षण हमें अपने जीवन में मिलते रहते हैं, तो ये उन्हीं में से एक लक्षण है। प्राचीन काल से ही कई छोटी छोटी घटनाओं को भविष्य में होने वाली घटनाओं से जोड़ करके देखा जाता रहा है। ये सभी घटनाएं इशारा करती हैं कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा हमारा आने वाला कल। तो ये सारी चीज़ें आपको ये इंडिकेट कर देती हैं, बता देती हैं कि आपके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने जा रहा है, यानी शुभ या अशुभ क्या होने जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर शकुन और अपशकुन में के माध्यम से छुपा हुआ होता है। इनमें हम इनको शगुन और अपशगुन के माध्यम से जानते हैं, जिन्हें समझने की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में बिल्ली से जुड़े कई अपशकुन बताए गए हैं। सामान्यतः हमारे घर के आसपास काली बिल्ली दिखाई नहीं देती, लेकिन यह बिल्ली आपको रोते हुए दिख जाए या इसकी आवाज़ हमारे कान में पड़े तो यह इशारा समझ लेना चाहिए आपको कि आपके साथ निश्चित तौर पर कुछ खराब होने जा रहा है, कुछ अशुभ होने जा रहा है, कुछ गड़बड़ स्थिति आपके साथ आ सकती है। अतः इसके चलते आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि घर से आप निकल रहे हों और बीच में बिल्ली रास्ता काट जाए या बिल्ली के रोने की आवाज़ आपको सुनाई दे, तो ऐसे में आपको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाना चाहिए। यदि आप अपने घर से बहुत दूर नहीं गए हैं तो वापस घर आ जाएं, थोड़ी देर वहां बैठें, जलपान करें, कुछ मीठा खा करके आपको पानी पी लेना चाहिए। कुछ मीठा ना हो तो एक टुकड़ा गुड़ खा सकते हैं, उसके बाद जल ग्रहण कर सकते हैं, एक चम्मच चीनी फांक करके पानी पी सकते हैं और थोड़ा समय 10 मिनट 15 मिनट का गैप देने के बाद आप निकलें तो निश्चित तौर पर जो भी अशुभ स्थिति होती है वह टल जाती है, वह समय जो है निकल जाता है। जब कभी आप घर में हों और बिल्ली के रोने की आवाज़ सुने तो आपको सबसे पहले घर के मंदिर में जा करके दो अगरबत्तियाँ, धूप बत्तियाँ लगा करके अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, देवी देवता हैं, उनसे आपको अपने और अपने परिवार के सुरक्षा हेतु प्रार्थना कर लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शिव चालीसा का पाठ कर लें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। इतना कर लेने मात्र से आप और आपका परिवार किसी भी प्रकार के अपशगुन से सुरक्षित हो जाएगा। आपके साथ कुछ अशुभ होने वाली घटना जो है वह टल जाएगी। आजकल शगुन अपशगुन के संबंध में काफी लोगों का यह मानना है कि ये बातें केवल अंधविश्वास मात्र हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ये हमारा भ्रम है या पुराने द्वारा लोगों द्वारा फैलाई गई एक अंधविश्वास की प्रथा है। वहीं पुराने समय में इन सभी बातों का काफी अधिक महत्व माना जाता था, इसी वजह से वे लोग हर कार्य में इन बातों का ध्यान रखते थे या इन बातों को ध्यान में रखते हुए हर कार्य करते थे, तो वो ज़्यादा सफल थे, ज़्यादा अच्छे थे। तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की पूजा आराधना कर लें, महादेव शिव की पूजा आराधना कर लें, जो काल के देवता हैं, तो किसी भी प्रकार की अशुभ स्थिति को आप बहुत आसानी से टाल सकते हैं। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।